हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री एंड द मीडियम सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना। तो इसमें एटम परमाणु क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लगभग वैसा ही है, दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। 1808 में डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। 1808 में डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा कण पदार्थ का जिसका और आगे विभाजन न हो सके उसे परमाणु कहा जाता है। एटम ग्रीक शब्द एटोमियो से बना है। एटोमियो का मीनिंग होता है अनकटेबल। परमाणु नाम डाल्टन ने दिया। 20वीं सदी के आरंभ में थॉमसन, रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि परमाणु का विभाजन संभव है। पहले ये माना जाता था कि परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, बाद में सिद्ध हो गया कि परमाणु का विभाजन संभव है, परमाणु से छोटे कण भी होते हैं। तो परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। आधुनिक धारणा के अनुसार परमाणु में तीन मूल कणों के अलावा कुछ अन्य कण भी पाए जाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटीप्रोटॉन। इन कणों के अलावा और भी बहुत सारे 20 से अधिक प्रकार के कण पाए जाते हैं। हम केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के मूलभूत कण, मूल कण, मौलिक कण कह दो, सब एटॉमिक पार्टिकल कह दो, अपरमाणु कण सभी के नाम है। परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं? तो पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? कैथोड किरणों से हुई। कैसे? शुष्क गैसें सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, लेकिन बहुत कम दाब, जब दाब बहुत कम होता है, लगभग 0.01 mm ऑफ Hg, तो गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ये डायग्राम में दिखा रखा है, एक विसर्जन नलिका है, डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर कैथोड है, इधर एनोड है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज सोर्स और निर्वात पंप से सारे इसकी वायु बाहर कर दी, अंदर हवा नहीं ट्यूब में। अठारह में सर जे थॉमसन ने बताया कि जब गैसीय विसर्जन नलिका में अत्यंत कम दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो कैथोड से कुछ किरणें एनोड की ओर गमन करती है, इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। तो कैथोड किरणों की खोज किसने की? थॉमसन ने की। उसके बाद नेक्स्ट है कैथोड किरणों की विशेषताएं या गुण, प्रॉपर्टीज। तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। इनके राह में यदि कोई वस्तु आती है तो उसकी छाया बनाती है, राह में आने वाली वस्तुओं की छाया बनाती है। थर्ड है इनके मार्ग में एक हल्का पंखुड़ियों वाला पहिया रख दिया जाए तो पंखुड़ियाँ घूमने लगती है, जो यह सिद्ध करती है कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। फोर्थ, विसर्जन नलिका में विद्युत क्षेत्र लगाने पर या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कैथोड किरणें धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ती है। धनावेशित इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनोड होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। उनके क्षेत्र लगाएंगे तो किधर जाएंगी? ये एनोड की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगी। इसका मतलब ये खुद पर कैसा चार्ज है? इन पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ऋणावेशित कणों की खोज किसने की? थॉमसन ने की।
घनावेशित कणों को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय थॉमसन को ही जाता है। 6 कैथोड किरणों की राह में धातु की पतली फॉइल रख दे, पन्नी रख दे, तो क्या होगा, ताप दीप्ति उत्पन्न करती है। ताप दीप्ति मतलब धातु की पन्नी गर्म हो जाती है, अर्थात धातु की पन्नी जैसे प्लेटिनम की पन्नी रख दी तो वो गर्म होकर लाल हो जाती है, ऐसा कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा का उष्मा में बदलने के कारण होता है। कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, उष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट 7 कैथोड किरणों में भेदन क्षमता होती है, अर्थात इनके मार्ग में धातु की पतली पन्नी रखने पर उससे पार हो जाती है। ये किरणें गैसों का आयनीकरण करती है, गैसों को आयनों में डिवाइड कर देती है। 9 है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। और 10 है जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाले धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है या होती है। तो इनकी विशेषता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे ज्ञात किया जाता है, मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास कितना होता है, 9.1×10⁻³¹ किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीपल करेंगे तो पावर नेगेटिव में तो लेस हो जाएगी, -28 बचेगी। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान कितना होता है, इसका प्रैक्टिकल वैल्यू है 1.76×10⁸ कूलाम/ग्राम, और पर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 10^11। E/m किसने ज्ञात किया और किसने मापा, थॉमसन ने ज्ञात किया। इसे E/m को विशिष्ट आवेश भी कहा जाता है, कण के हस्ताक्षर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1838 होता है, या 1/1838 होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। एक AMU की वैल्यू होती है 1.66×10⁻²⁴ ग्राम, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीपल कर देंगे, ग्राम में वैल्यू दे रखी है, AMU में कन्वर्ट करना है तो 1.66×10⁻²⁴ से डिवाइड कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1×10⁻²⁸ ग्राम, ग्राम में है, AMU में ज्ञात करना है तो भाग दे देंगे 1.66×10⁻²⁴ से, तो कितनी वैल्यू आएगी, 5.48×10⁻⁴ AMU। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672×10⁻²⁴ ग्राम, किलोग्राम में -27 आएगा। जो आवेश होता है प्रोटॉन का, चार्ज होता है उस पर, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, वैल्यू तो बराबर ही होते हैं, लेकिन नेचर प्रकृति विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव यानी धनावेश होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, वैल्यू दोनों के बराबर है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675×10⁻²⁴ ग्राम होता है, ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो -27 हो जाएगी पावर। और न्यूट्रॉन पर आवेश, चार्ज कितना होता है, 0 होता है,
निरावेशित कण है, उदासीन कण है। कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद प्रोटॉन की खोज होती है 1919 में एनोड किरणों के द्वारा। एनोड किरणों को धन किरणें या केनाल किरणें भी कहते हैं। गोल्डस्टीन ने बताया कि जब गैसीय विसर्जन नलिका में छिद्र युक्त कैथोड लगाकर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो एनोड से कुछ किरणें निकलकर कैथोड की ओर गमन करती है छिद्र युक्त कैथोड से होकर। अब इसमें क्या ले लिया, विसर्जन नलिका में छिद्र युक्त कैथोड लगा दिया, छिद्रित कैथोड लगा दिया, तो क्या होगा, एनोड से कुछ किरणें निकलेंगी और छिद्र युक्त कैथोड से होकर एनोड से कुछ किरणें निकलकर कैथोड की ओर गमन करेंगी। इन्हें इन किरणों को एनोड किरणें या केनाल किरणें कहा गया। एनोड किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की और एनोड किरणों का नामकरण थॉमसन ने किया। ये किरणें या टकराएंगी पर्दे पर पीछे या लाल चमक पैदा करेंगी, स्फुर्दीप्त पैदा करेंगी, यहाँ पर एक वो लगा दिया चमकीला पदार्थ जैसे ZNS उससे लाल चमक दिखाई देती है। हाई वोल्टेज का सोर्स यहाँ पे लगा रखा है। एनोड किरणों की विशेषता या गुण, ये किरणें भी सीधे रेखा में गमन करती है, ये किरणें कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में गमन करती है। तीसरा है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड की ओर गमन करती है। इससे सिद्ध होता है कि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों की खोज गोल्डस्टीन ने की और नाम दिया, नाम भी किसने दिया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम दिया। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। पांचों इन किरणों का वेग कैथोड किरणों से कम होता है, इसका मतलब इनका द्रव्यमान थोड़ा सा अधिक होता है। नंबर सिक्स, एनोड किरणें या धन किरणें प्रतिदीप्ति और स्फुर्दीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति का मतलब है किसी पदार्थ पर रेडिएशन डाले, विकिरण डाले जाए तो वो प्रकाश देने लगता है। जब तक उस पर विकिरण पड़ेगी तब तक वो प्रकाश देता रहेगा, जैसे सोर्स बंद करेंगे उससे प्रकाश निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन स्फुर्दीप्ति में प्रकाश का स्रोत या विकिरण का स्रोत बंद करने के बाद भी उसमें से प्रकाश स्फुर होता रहता है, निकलता रहता है, ये कहलाती है स्फुर्दीप्ति। तो ये धातु की पतली पन्नी से पार निकल जाती है, यानी इनमें भी भेदन क्षमता होती है लेकिन कैथोड किरणों से कम होती है। उसके बाद 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की जाती है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इन्होंने बेरिलियम या बोरॉन अल्फा कणों की बौछार की और उत्सर्जित होने वाले कणों का अध्ययन किया और पाया कि कुछ ऐसे कण भी उत्सर्जित होते हैं जो विद्युत उदासीन होते हैं तथा जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। चैडविक ने कणों का नाम न्यूट्रॉन रखा। बेरिलियम 4, बेरिलियम 9, इस पर अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं, 2Hg4, तो क्या मिलेगा, एक तो कार्बन बनता है 6C12, 6C12 और साथ में न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। अभिक्रिया में आवेश और द्रव्यमान बैलेंस होना चाहिए। इधर आवेश कितना है, 4 और 2, 6, इधर भी कितना है, 6, 6+0, 6 आएगा। द्रव्यमान या मास भी बराबर होना चाहिए, 9 प्लस 4 कितने हो गए, 13, और 12 प्लस 1 कितने हो गए, 13, 13 हो गए। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के कोषों में वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के नाभिक में परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक को जेड से शो करते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये सब नाइन्थ की बात है।
जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसका परमाणु क्रमांक होगा। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन कितने हैं 20। जिंक का परमाणु, जिंक में प्रोटॉन कितने हैं 30, इसका मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 30। द्रव्यमान संख्या को इससे इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ये दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इक्वल टू क्या होगा, जेड प्लस एन, एन प्लस जेड। अब इसमें से हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एम माइनस जेड हो जाएगा, जेड इधर आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अन्य प्रमाणीकरण, ये एनसीईआरटी बुक में तो है नहीं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आगे भविष्य के लिए। पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये तीन प्रकार के होते हैं, गणा में से गणा में चतुर्दशी। न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन। उसके बाद नेक्स्ट थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये सब नाइन्थ की बातें हैं। थॉमसन ने 1898 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया सबसे पहले। इसके अनुसार परमाणु 10^-10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित गोला है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दसे रहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों में भोजन के पश्चात परोसे जाने वाली मिठाई पुडिंग कहलाती है, जो केक की तरह होती है, पुडिंग या केक। इस पर प्लम या चेरी नामक फल जगह जगह लगे होते हैं। तो पुडिंग या केक धनावेशित भाग की तरह और प्लम या चेरी इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप की तुलना, परमाणु मॉडल की तुलना बूंदी के लड्डू से भी कर सकते हैं, तरबूज से भी कर सकते हैं। जैसे तरबूज में काले बीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, और उसका गुदेदार भाग धनात्मक हिस्से की तरह होता है। तो चूंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए थॉमसन ने सुझाव दिया कि परमाणु में समान संख्या में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात बराबर मात्रा में धनावेश व ऋणावेश पाया जाता है। धनावेश के बारे में बताया, सुझाव दिया कि उतना ही उसमें क्या होता है, धनावेश होता है। प्रोटॉन की खोज तो बाद में हुई थी, लेकिन सुझाव दिया था कि बराबर मात्रा में धनावेश होता है ऋणावेश के बराबर। धनात्मक भाग क्या है, गुदेदार भाग धनात्मक भाग को शो करता है, और तरबूज के जो काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉनों को, ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों को शो करता है। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। कमियां, परमाणु में न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिसकी व्याख्या मॉडल नहीं कर सका, और इससे दूसरी कमी क्या है, बाद में जो मॉडल आएगा रदरफोर्ड का, अल्फा कण प्रयोग वाला, प्रकीर्णन वाला, उसकी व्याख्या थॉमसन परमाणु मॉडल के आधार पर नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने सोने के पतले पत्र पर अल्फा कणों का प्रहार किया, सोने के पतले पत्र से अल्फा कणों को गुजारा। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, 2HE4, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो क्या बचेगा, केवल न्यूक्लियस बचेगा, नाभिक बचेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचेगा उसे कहेंगे हीलियम का नाभिक, जिन्हें अल्फा कण कहा जाता है। हीलियम के नाभिक अल्फा कण कहलाते हैं। इसका डायग्राम भी दिखा रखा है, अदर कोड का प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण का स्रोत है, यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं, बीच में को प्लेट है हिस्से की, और ये सोने की पतली पल्ली। ये स्वर्ण पत्र प्रयोग अदर कोड का, सोने की पतली पन्नी 100 नैनोमीटर मोटाई की, इस पर रेडियो एक्टिव सोर्स से हाई एनर्जी वाले अल्फा कणों को उत्सर्जित कराया जाता है। ये जो पतली पन्नी है इस पर सोने की जिंक सल्फाइड का लेप होता है, प्रतिदीप्तिशील होता है। जब कोई अल्फा कण इसे टकराएगा तो चमक उत्पन्न करेगा। तो इन्होंने सोने के पतले पत्थर से अल्फा कणों को गुजारा तो क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं बिना विचलित हुए। 8000 में से एक कण ऐसा था जो 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, और 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात उसी मार्ग पर पुनः लौट आता है। यह उनके जीवन की सबसे अविश्वसनीय घटना थी। इतनी अविश्वसनीय है जैसे कि एक तोप का गोला पतले कागज से टकरा कर लौट आए और चलाने वाले पर ही चोट कर बैठे। ये उन्हीं के शब्दों में है। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल दिया। दोबारा देख लेते हैं इसको। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं बिना विचलित हुए, कुछ कण 8000 में से 90 डिग्री पर घूम जाते हैं, और 20000 में से एक कण ऐसा भी निकला जो 180 पर घूम जाता है। तो इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या परमाणु मॉडल दिया, कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है क्योंकि अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं। फिर एक कण क्या होता है, 20,000 में से 180 पर घूम जाता है। इसका मतलब परमाणु के केंद्र में कोई ना कोई धनावेशित भाग है। परमाणु के केंद्र में अत्यंत घना धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है और नाभिक के चारों रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक का कुल धनावेश इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है जिससे परमाणु उदासीन होता है। नंबर 6, इस परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार घूमते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन को ग्रहीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं तथा रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल को ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं, प्लानेटरी मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बॉस नंबर 1 के क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित कण घूमते समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसने बताया रदरफोर्ड में, लेकिन मैक्सवेल क्या कहता है, कोई भी आवेशित कण गति करेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अतः रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इससे उसका पथ सिकुड़ता जाता है तथा यह सर्पिलाकार गति करता हुआ एक समय नाभिक में ही गिर जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब तिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड का परमाणु क्या है, अस्थायी था, ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो पथ क्या होगा, छोटा होगा इसका, और सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में समा जाना चाहिए। इसका मतलब परमाणु का स्थायी, परमाणु का अस्तित्व भी खत्म हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। नंबर सेकंड, लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए परमाणु द्वारा सतत स्पेक्ट्रम दिए जाने चाहिए, जबकि परमाणु द्वारा असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तीसरा क्या है, तीसरी कमी क्या है, कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं की गई थी। आज इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में।